हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का पेपर, और ये सेट 13 है और ये पेपर हुआ था 10/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का, आप सामने देख सकते हैं। और एसएससी एग्ज़ाम में जो बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके चेक किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिटिल नॉलेज एक वर्ड दिया हुआ है, नॉलेज के साथ लिटिल वर्ड को लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि इसमें ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या केवल लिटिल आएगा। ठीक है, तो लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पजेस्ट प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेटिंग मैच, इनॉग्रल मैच। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी नॉलेज थी वो पूरी की पूरी नॉलेज वॉलीबॉल गेम में काफ़ी उसके काम आई इनोग्रेशन मैच में। तो इस सेंस को डालने के लिए यहाँ पर हम दा लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दा जब हम लगाते हैं लिटिल के साथ या फ्यू के साथ तो उसका अर्थ होता है कि जितना भी कम है लेकिन जितना भी है उस पूरे को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास जितनी भी नॉलेज थी वॉलीबॉल की वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो काफ़ी काम में आई उसके इनॉग्रल मैच में। तो यहाँ पर यदि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर द लिटिल नॉलेज हम बोलेंगे। ठीक है, ए लिटिल नॉलेज का मतलब होता है सम नॉलेज, लेकिन यहाँ पर सम के अलावा एक सेंस और आपको क्रिएट करना है, और वो सेंस ये है कि जितनी भी नॉलेज थी वो सारी की सारी नॉलेज। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, लिटिल की जगह हम इसमें द लगाएंगे और इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए पार्ट में गलती है तो ए इसका आंसर होगा। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई इंग्लिश होमवर्क सो आई थॉट आई वॉज डन विथ वेन द टीचर आस्क मी टू हैंड इट इन। हैंड इन का मतलब होता है सौंपना। जैसे सपोज आपने कोई एग्जाम पेपर कर लिया और एग्जामिनर को जब आप सौंपेंगे तो दैट इज कॉल्ड हैंड इन। तो आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई इंग्लिश, देखिए सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एग्जामिनर ने उससे एग्जाम पेपर मांग लिया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ठीक है, और टाइम खत्म होने तक वो जो स्टूडेंट है वो अपना पेपर ख़त्म नहीं कर पाया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस हो गया या घबरा गया। आई हैडन कंप्लीटेड माई इंग्लिश होमवर्क सो आई थॉट आई वन विद वेन द टीचर आस्क मी टू हैंड इट इन। जब टीचर मुझे मांगा वो होमवर्क और मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं क्या हो गया, नर्वस हो गया या थोड़ा सा परेशान सा हो गया। तो वो सेंस इसमें आपको निकालना है। तो डन विद का अर्थ होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। ठीक है, लेकिन डन फॉर आएगा, यहाँ पर डन विद नहीं आएगा। डन विद का मतलब है कि उस चीज़ के साथ आपका काम खत्म हो गया। डन फॉर का मतलब होता है कि परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, या एक ऐसी सिचुएशन में होना जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, डन फॉर। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है और इसको आप मान सकते हैं कि एक टिपिकल एसएससी सेंटेंस है। तो आई वॉज डन विद की जगह आई वॉज डन फॉर यहाँ पर हो जाएगा और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये फिलअप के क्वेश्चन है, केथ हैज विद ए फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस। तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, कॉट, गॉन, गॉट और मैट। देखिए मैट जैसे हम बोलते हैं मीट के साथ एक्सीडेंट वर्ड आता है, मीट विद एन एक्सीडेंट, उसी तरीके से मीट विद ए फेलियर मतलब फेलियर का सामना करना। तो यहां पर चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसलिए यहां पर हैज के साथ हम मैट लगा सकते हैं। ठीक है, मैट यहां पर आपका सही आंसर होगा। केथ हैज मैट विथ ए फेलियर, मैट विथ ए फेलियर मतलब उसने असफलता का सामना किया है इंग्लिश एग्जामिनेशन में 3 बार। तो मैट विथ ए फेलियर बोल सकते हैं, मैट विथ ए एक्सीडेंट बोल सकते हैं। इस तरह से मैट का प्रयोग हम फेलियर और एक्सीडेंट के साथ करते हैं, तो इसलिए मैट यहां पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर वॉज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। मैनेजर का जो कंडक्ट था और वो कंडक्ट जो था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए उसको क्या किया गया, उसको उसको बुलाया गया। तो कॉल्ड फॉर यहाँ पर सही होगा, कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना भी होता है। ठीक है, कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल होना होता है, तो कॉल्ड ऑफ तो आएगा नहीं। कॉल्ड टू किसी को बुलाना या किसी से मदद मांगना, कॉल्ड टू, और कॉल्ड अप माने तो फोन करना भी होता है, कॉल्ड अप। कॉल्ड फॉर यहां पर सही आपका आंसर होगा, कॉल्ड फॉर माने डिमांड भी होता है। द मैनेजर वॉज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का अर्थ होता है जो एकदम धारा प्रवाह है, जो फ्लुएंट है, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट का आंसर होगा फ्लुएंट।
इग्नोरेंट मतलब जो अज्ञानी है, रूड मतलब जो गमार है, इम्पोलाइट है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं नेफेरियस, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेफेरियस का अर्थ होता है इविल या बेकार या बुरा या विकेड, ठीक है। तो देखिए नेफेरियस का पर्पसफुल तो होगा नहीं, सस्पिशियस माने डाउटफुल होता है, वर्चुअस माने गुणी होता है, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा इनक्विटस। इनक्विटस का मतलब होता है विकेट या इविल, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। एंसकॉन्स, एंसकॉन्स का क्या अर्थ है? एंसकॉन्स का अर्थ होता है किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, किसी चीज को वहां पर सेटल कर देना, और जब हम अनवेल करते हैं किसी चीज को तो उसको डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एस्टेब्लिश का अपोजिट जो होगा वो अनवेल होगा, यहां पर एंसकॉन्स का जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा अनवेल। लुगुब्रियस का अर्थ होता है सैड या दुखी, ठीक है, तो इसलिए इसका सही जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्टिमिस्टिक। ल्यूसिड का मतलब एकदम क्लियर, क्लम्जी का मतलब बेडंगा या ऑकवर्ड, सिनिस्टर का मतलब जो जिसने पाप किया है, सिनिस्टर उसको हम बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इडियम फ्रेज, एंडेड इन ए फियास्को, एंडेड इन ए फियास्को, फियास्को हम बोलते हैं फेलियर को, तो यहां पर एंडेड इन ए फियास्को का अर्थ होगा अ कंप्लीट फेलियर। सो वाइल्ड ओट्स, ये एडियम भी कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम में। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है जब आपकी यंग एज होती है तो उस समय आप काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग काम भी करते हैं, काफ़ी स्टूपिड काम भी करते हैं, और काफ़ी आप टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली सो वाइल्ड ओट का मतलब होता है कि जब आपका यंग टाइम होता है तो उस समय जो स्टूपिड काम करते हैं, एक्साइटिंग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सो वाइल्ड ओट्स। लेकिन वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो इसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फूलिश थिंग्स, क्योंकि यंग एज जब आपकी होती तभी आप ज्यादातर फूलिश थिंग्स करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी। ही हैज पेंटेड दैट पिक्चर सो ऑफन दैट ही कैन डू इट विद हिज आई क्लोज, मतलब उसने इस पेंटिंग को इतनी बार किया है, ही हैज पेंटेड दैट पिक्चर सो ऑफन, उसने उस पिक्चर को इतनी बार पेंट किया है कि इस काम को वो अपनी बंद आंखों से भी कर सकता है। विद हिज आई क्लोज्ड, एक idiom है विद हिज आई क्लोज्ड, ठीक है। तो ये सही है idiom और इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। यहां पर हम देखते हैं इफ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली अलाउ यू हर नोट्स। देखिए इसमें हम बोलेंगे क्योंकि अलाउ यू को आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। अलाउ, अलाउ जो वर्ड है वो अपने साथ टू प्लस वी वन लेता है, allow जो वर्ड है वो अपने साथ 2 प्लस वी वन लेता है, तो इसलिए allow को यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 तो है नहीं। She will probably allow you to take her note, इस तरह से होना चाहिए, मतलब allow के साथ 2 आना जरूरी है लेकिन 2 नहीं है यहां पर, तो इसलिए आप बोल सकते हैं शी विल प्रोबेबली लेट यू हैव, क्योंकि लेट के साथ हम 2 नहीं लगाते, लेट यू हैव हर नोट्स, लेट के बाद हम 2 नहीं लगाते तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अलाउ के बाद 2 लगाते हैं तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा, इसमें सही आंसर होगा आपका बी, लेट यू हैव। इफ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली लेट यू हैव हर नोट्स, ओके, तो बी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, इजीली ड्यूब्ड और फूल्ड, मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, ड्यूब मतलब धोखा दिया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं गलीबल, ठीक है। बिगट का मतलब होता है जो धर्मांध है, मतलब जो जो एक ही ओपिनियन पर टिका रहता है, जिसके जिसके जो ओपिनियंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उनको वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं विगत। रिडिक्यूल हंसी उड़ाना, वेनीरेबल मतलब जो आदरणीय है उसको हम बोलते हैं वेनीरेबल, गलीबल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अटोनमेंट फॉर वन सिंस मतलब अपने पापों के लिए प्रायश्चित, अटोनमेंट हम बोलते हैं प्रायश्चित करने को, अटोनमेंट फॉर वन सिंस, तो इसके लिए सही जो वर्ड है वो है रिपेंटेंस, क्योंकि रिपेंट का मतलब भी प्रायश्चित करना होता है, ठीक है। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी मतलब जो इन्फ्लेमेबल होता है, जो ज्वलनशील होता है, उसको हम बोलते हैं इंसेंडियरी। इग्नोरेमस मतलब जो इग्नोरेंट है, मूर्ख है, स्टूपिड है। इलीट मतलब जो जो संभ्रांत, जो जो हाई क्लास, जो टॉप क्लास जो कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं इलीट क्लास, तो यहाँ पर रिपेंटेंस डी यहाँ पर सही आंसर होगा। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यूजेबल, डिफेंस, डिफेंस स्पेलिंग सही है, ये सही है, इन्वेंटर भी सही है। एनुअल में पहले यू आएगा, एनुअल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, एनुअल की स्पेलिंग गलत है।
यहाँ देखते हैं चेंजेबल तो सही है, इन एडिबल सही है, वैल्यूबल सही है, ट्रेसेबल में टी आर ए सी ई ए बी एल ई होता है ट्रेसेबल, तो सी इसमें गलत स्पेलिंग है, सी इसमें सही आंसर होगा। यहां पर इस पैराजम्बल को देखते हैं, पैराजम्बल का मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी पैराजम्बल, कोई भी पैराग्राफ नाउन से स्टार्ट होता है। नाउन अगर है तो, यदि दो नाउन है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन उसमें पहले आती है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पर इसमें नाउन कहां पर है, इसमें नाउन है यहां पर लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। दिस एक प्रोनाउन है, द एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है, द एक्चुअली डिटर्मिनर है, लेकिन ये भी द वाला जो सेंटेंस होगा ये भी बाद में आता है, पहले ये आएगा, पहले ये नाउन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। लॉ ऑफ नेचर, इसमें देखिए इसमें भी इसमें लॉ आया है और इसमें भी लॉ का रेफरेंस आया है, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, क्यू का और एस का। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, देखिए यहां पर हम लॉ को बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। यहां हम बोल रहे हैं द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए दिस इसमें एक प्रोनाउन आया है इसलिए ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, पहले हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं और फिर उसके बारे में कि द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, हो जाएगा सेकेंड। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अदर अनफॉर्चुनेट, मतलब देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि लॉ का इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यहां पर उसका सॉल्यूशन बताया है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस और ये हो जाएगा आपका फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से इन सेंटेंस को करना होता है। तो क्यू एस पी आर आपका सही इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्यू एस पी आर। एक ये सेंटेंस है, इसमें भी हम नाउन को पहले लेंगे, नाउन नाउन इसमें इट तो प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें वैन से सेंटेंस रू नहीं होता, इट से सेंटेंस रू नहीं होता, नाउन लेंगे इसमें, नाउन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दी है ये, तो इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड, टाइम मतलब सारे सारे दुखों को भर देता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। टाइम को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन चाहिए और प्रोनाउन टाइम को रिप्लेस, टाइम को हम रिप्लेस करेंगे किस प्रोनाउन से, इट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड सेंटेंस, इट हैज टेकन अवे द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ अस विदाउट रिगार्ड ऑफ ईदर। इसके बाद आप ये बोल सकते हैं टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी बट डिमांड्स अ सीरीज, डिमांड ए सेंस ऑफ रिगार्ड, व्हेन द गेम ऑफ लाइफ इज फाइनली ओवर देयर इज नो सेकंड चांस टू करेक्ट अवर एरर्स। तो ये है हो जाएगा थर्ड और इसमें चूंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं सेंटेंस को इसलिए ये हो जाएगा फोर। तो क्यू एस पी आर इसका सही आंसर आपका होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, ही सॉ हिम कंडक्टिंग द सेमिनार, ही सॉ हिम, ही सॉ हिम में ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम से बन सकता है ये सेंटेंस, ठीक है। ही सॉ हिम मतलब ही सॉ हिम का हो जाएगा ही वो सीन बाय हिम, ही सॉ हिम का होगा ही वो सीन बाय हिम, यानी एंड में इसमें बाय हिम आएगा और बाय हिम केवल इन दो सेंटेंस में दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ते हैं ही सॉ द सेमिनार और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, क्योंकि इसमें कंडक्टिंग वर्ड आ रहा है, कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूस टेंस के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे बीइंग, बीइंग लेंगे हम, टू बी नहीं लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, यह सही हो जाएगा इसमें, सी इसमें सही आंसर आपका होगा। इस तरीके से लॉजिक से आपको करना है इन सेंटेंसेस को। रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, तो रश्मि ने इसमें वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, रश्मि क्या कर रही है, रश्मि इसमें पूछ रही है, तो आस्क वर्ड आएगा, वांटेड वाला गलत हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए दैट और वेयर साथ में नहीं आते, ये दैट और डब्ल्यू एच वर्ड ये साथ में नहीं आते। अब यहां से देख लेते हैं, रश्मि आस्क मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉच, देखिए इस जब इसमें इस सेंटेंस में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रश्मि आस्क मी वेयर, वेयर वॉज द टेलीफोन एक्सचेंज, ऐसे नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे रश्मि आस्क मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये,
और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो डायरेक्ट का जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है वो इनडायरेक्ट में आते समय अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो इसलिए रश्मि आस्क्ड मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा, इसको देखते हैं। हाँ, इसमें तो दैट और वेयर ये गलत हो गया, इसमें रश्मि आस्क्ड मी वेयर, हाँ देखिए ये दिया है ना, तो इसमें चूंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है इसलिए वेयर वॉज हम नहीं बोलेंगे, वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज ऐसे बोलेंगे, वेयर वॉज नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन पैटर्न है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और इसमें वांटेड हो गया तो ये ऐसे गलत हो गया। आप इलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो बी इसका सही आंसर आपका होगा। अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पर। करप्शन इज ए विच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी। करप्शन यानी भ्रष्टाचार क्या है? देखिए अब यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए, यहां पर देखिए कीवर्ड दिया है स्प्रेड। स्प्रेड का अर्थ क्या होता है? फैलना। और कौन सी चीज इनमें से फैलती है? इनमें से पॉइजन जो होता है वो फैलता है, जहर। हैबक का मतलब होता है बर्बादी, पॉल्यूटेंट और ग्रास रूट। ठीक है, यहां पर मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया कि स्प्रेड दिया है और स्प्रेड का मतलब फैलना, और इसमें से केवल एक ही चीज फैल सकती है वो है पॉइजन, तो यहां पर आपका आंसर होगा पॉइजन। करप्शन इज ए पॉइजन विच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी एंड सोसाइटी कम्युनिटी एंड का मतलब सोसाइटी और कम्युनिटी का एक इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर चाहिए और वो वर्ड होगा कंट्री, क्योंकि वर्ड नहीं होगा, यूनिवर्स कंपनी नहीं होगा, कंट्रीज कहना सही होगा यहां पर। सोसाइटी कम्युनिटी एंड कंट्री, इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम एडवांटेज। ये पब्लिक रिसोर्सेज का मिस ट्रीटमेंट है एडवांटेज लेने के लिए, लेकिन कैसा एडवांटेज होता है वो जो भ्रष्टाचार के थ्रू लिया जाता है, वो फेयर होता है या अनफेयर? वो होता है अनफेयर, तो यहां आएगा अनफेयर। पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम अनफेयर एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश, रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड बाय एनी वन। मतलब किसी भी चीज का, देखिए भ्रष्टाचार में क्या होता है कि पावर का आप गलत यूज करते हैं, और पावर का इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? पावर का इक्विवेलेंट वर्ड है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन आएगा, रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड पोजीशन बाय एनीवन, वेदर नेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक सोशली एंड पॉलिटिकली। सोशली पॉलिटिकली एंड सोशली और पॉलिटिकल का इक्विवेलेंट वर्ड कौन सा है? इकोनॉमिकली। सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, सोसाइटी के ये तीन टाइप हो सकते हैं। मैनुअली साइंटिफिकली इमोशनली हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इमोशनली तो पर्सनल वर्ड है, साइंटिफिकली टेक्निकल वर्ड है, मैनुअली ये लेबर से रिलेटेड वर्ड है। तो सोसाइटी से ये तीन रिलेटेड वर्ड हैं, सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो इसलिए इकोनॉमिकली जो होगा वो इसमें सही आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में, इस सेट 13 में मैंने 25 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं, और 10/8/2017 को जो पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके के सेम क्वेश्चन SSC के ज़्यादातर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, और ये प्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मेंस के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इसी तरीके के होते हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी और थोड़े से ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उनके लिए अलग से मैं आपको प्रिपेयर करूँगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।